हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने लेके आई हूँ अप्सरा का एक पेंसिल बॉक्स। ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर हमने दो कलर की पेंसिल मिली है और एक ये शार्पनर है। अप्सरा का ही पेंसिल शार्पनर है, ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही पेंसिल को अच्छे से शार्प भी करता है। आप इसको ज़रूर लें, देखिए कितना प्यारा कलर है। मैंने आपको उसकी ओपनिंग करके दिखा रही हूँ। और इसके अंदर देखिए हमें मिली है ये पेंसिल्स, दो कलर्स की पेंसिल मिली है। एक तो ये ब्लू कलर है और देखिए इसके ऊपर जो है रिबन की टाइप से डिजाइन बना हुआ है। और जो दूसरा कलर है वो है ब्राउन कलर। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। जो फाइव कलर्स हैं वो ब्लू हैं और दूसरे फाइव कलर्स हैं वो है ब्राउन कलर। बहुत ही प्यारे कलर हैं और बहुत ही प्यारी पेंसिल है, लॉन्ग टाइम तक चलने वाली पेंसिल है। देखिए इसके ऊपर एक रिबन की तरह डिजाइन करा हुआ है, बहुत ही प्यारी पेंसिल है ये। आप भी इसे जरूर बाय करें, बहुत ही इजी सी है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कैमलिन के कलर। ये कैमलिन कंपनी के हैं, ये स्केच पेन है, ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। और इसकी जो शेडेड है वो 12 शेड कलर हैं, बहुत ही प्यारे शेड हैं और चलने में तो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर आते हैं इसके। देखिए हर एक कलर है इसके अंदर, जो आपको कहीं भी किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगा। बहुत ही इजी सी और बहुत ही आसान सा है। ये भी आपको किसी बुक सेलर की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कैमल का जॉम्बो पैक। ये नूफन का है, ऑयल पेस्टिंग कलर है। इसके अंदर जो 12 शेड है, इसके अंदर आपको इसके अंदर है वो आपको एक शेड मिलेगी, जिससे कि आप जो कलर है इसको आप लाइट कर सकते हैं। देखिए ये शेड है, इसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसका यूज जैसे कि आप कोई कलर कर रहे हैं और वहाँ पर कोई डार्क कलर हो गया, आप इस तरह से हल्का सा शेड कर लें, कलर है जो लाइट हो जाएगा। और उसके अंदर आपको पूरे 12 शेड मिल रहे हैं, सारे कलर वो पूरे डार्क कलर हैं। देखिए मैं आपको एक कलर ब्लैक उठा के दिखाती हूँ। इसके ऊपर लिखा हुआ है जंबो ऑयल पेस्ट। ये सारे कलर हैं वो पूरे आपको डार्क शेड में मिलेंगे, तभी आपको ये कैमल मिला हुआ है इसके जो शेड है। अगर आपको कलर लाइट करना है तो आप उसको हल्का सा इसके ऊपर प्रेस कर दें, वो आपके जो शेड है वो लाइट हो जाएगी। इसके पीछे है एक स्टिकर भी दिया हुआ है, जिसके ऊपर आप अपना नाम लिख सकते हैं, क्लास लिख सकते हैं। और इसका जो मार्केट प्राइस है वो 75 रुपीज़ है। इसके बाद देखिए ये है लकड़ी का पेंसिल बॉक्स, इसके अंदर स्केल भी दिया हुआ है। देखिए ये स्केल है जो हर क्लास में हर एक बच्चे की जरूरत का हिसाब से चलता है, इसके लिए आपको अलग से स्केल लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए हमने मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर है 12 पेंसिल के कलर। पेंसिल कलर जैसे किसी छोटे बच्चे को आप कलर दिलाते हैं, आप इसको छोटे पेंसिल दिखाइए जिसको आप बच्चे को लिखना भी आएगा और कलर्स के बारे में पता लगेगा। देखिए पूरे 12 शेडेड हैं पेंसिल के, अलग अलग कलर की अलग अलग पेंसिल हैं। और ये लकड़ी की पेंसिल है, उसके साथ एक शार्पनर भी दिया हुआ है। ये वुड की लकड़ी की जो पेंसिल बॉक्स है बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। आप अपने बच्चे को ये जरूर दिलाएं, ये आपको मार्केट में आसानी से हर एक बुक सेलर की दुकान से मिल जाएगी। और उसके बाद रह गए हैं दो, एक ये जंबो पेंसिल बॉक्स और एक ये किट। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने लिया एक किट, ये स्पेशल बॉयज के लिए होती है। इसके ऊपर इसको लिखा हुआ स्कूल बुक। अब मैं इसको आपको इसकी ओपनिंग करके दिखाती हूँ। और उसके ऊपर देखिए ये टैग लगा हुआ है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि जो कंपनी मैं आपको दिखा रही हूँ आप वही ले। देखिए इसके अंदर मैंने ये सब सामान रखा हुआ है, आप इसके अंदर जो मर्जी सामान रख सकते हैं, कलर भी रख सकते हैं, पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं, कोई ट्रॉफी चॉकलेट्स रख सकते हैं। और आप इसके अंदर पैसे वगैरह स्कूल में
या किसी आप कहीं बाहर जा रहे हो कहीं ब्रश कॉलगेट वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए स्किन तो निकल के आई है, तीन ब्लेजर्स, कार्टून वाली बटरफ्लाई, कार्टून और स्माइली वाली, ये तीन रेजर इसके अंदर मैंने रखी हुई थी। और देखिए यहाँ पर है ये पेन, पायलट का पेन है, ये पिलॉट का पेन, बहुत ही प्यारा पेन है, बहुत ही प्यारी हैंड राइटिंग आती है इसके साथ। आप चाहे जो मर्जी आप जो आपको पसंद है आपको इसके अंदर रख सकते हैं। और एक ये मार्कल है, ये ब्लू कलर का मार्कल है, मुझे जो सामान अच्छा लगता है वो मैं इसके अंदर रख लेती हूँ, आपको जो पसंद है आप उसके अंदर डाल के ले जा सकते हैं। और ये ब्लैक कलर का मार्कल है, ये थोड़ा सा मोटे वाला मार्कल है। और देखिए मैंने यहाँ पर रखी है दो पेंसिलें, एक कैमलिन की है एक फ्रोजन की है। और एक यहाँ पर रखा है मैंने हाइलाइटर, इसकी भी जरूरत स्कूल में कहीं ना कहीं जरूरत लगती है, इसलिए मैंने इसको अपने किट में रखा हुआ है। और यहाँ पर रखा हुआ स्केल। स्केल तो हर क्लास में यानी कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको जरूर लगता है, तो स्केल तो हर एक बच्चे किट में जरूर होना चाहिए। आप चाहे तो उसके अंदर कोई ब्रश कोई कोलगेट कहीं जाना है आपने कई बार तो आप उसके अंदर डाल कर ले जा सकते हैं, बहुत ही प्यारी किट है, इसलिए आपको मार्केट में मिल जाएगी। और उसके बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पेंसिल बॉक्स, जो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा है, इसके अलग अलग फंक्शन है। देखिए यहाँ पर बटन है, दो सबसे पहले ये बटन है, दूसरा बटन ये है, मैं आपको एक बटन खोल के दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर निकला है, और ये निकली है हमारी इसके अंदर कैंची, जैसे कि स्कूल में किसी कागज़ लिया जा रहा है कटिंग करनी है, कोई डिजाइन से कोई पेज बनाना है, कोई भी पेज की कटिंग करनी है, उसको आप प्लीज में ला सकते हैं। और इसको आप स्टैंड पे लगाकर इसको वापस इसके अंदर हम बंद कर देंगे, कोई गुम होने का चक्कर ही नहीं है। और देखिए बटन दबाया और ये खुल गया, और दूसरी तरफ भी है बटन, ये हम प्रेस किया और दूसरी तरफ निकल के आया है हमारा ये शार्पनर, इसको हम यहाँ से शार्प करेंगे और उसके जो छिलके हैं पेंसिल के वो इसके अंदर आ जाएंगे, डस्टिंग है वो एक साथ में इकट्ठी हो जाएगी। और इस तरफ भी हमारा एक बटन है, इसके ऊपर लिखा हुआ टेप, इसको हम प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर हमारी टेप है वो निकल के आ गई है, इसको आप जब ख़त्म हो जाएगी आप उसके अंदर दूसरी टेप लगा लें। और देखिए यहाँ पर इसके कटिंग का भी निशान लगा हुआ है कि आपको जितनी टेप लेनी है आप यहाँ पर प्रेस करके इसकी टेप निकाल सकते हैं। और देखिए दूसरी तरफ लगा हुआ है एक बटन, और देखिए हमने इसको प्रेस किया तो इसके अंदर से निकल के आ गया रेजर, आप चाहे तो इसके अंदर छोटा मोटा सामान कुछ भी रख सकते हैं। और इसको हमने बंद कर दिया है, और सबसे मेन पॉइंट है और ये दिखा रहे हैं हम आपको ओपन करके, और देखिए ये स्टैंड जिसके अंदर आप अपने पेन पेंसिल स्केच मार्कर वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। बहुत ही प्यारा कलर है, देखिए इसका ब्लैक और ब्लू बहुत ही कॉम्बो का जो ज्योमेट्री बॉक्स है बहुत ही प्यारा है, मेरे बच्चों को जरूर पसंद आया है, आई होप आपको भी पसंद आया है। तो गाइस देखिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जैसा कि आपने प्यार अपनी मेरी पहले की वीडियो को दिया है वैसा ही प्यार इस वीडियो को भी देना। थैंक यू।